हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि डिटेन पैक कैसे लगाते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। और डिटेन पैक इसलिए लगाते हैं जिसकी फेस में टैनिंग हो जाते हैं, वो टैनिंग रिमूव के लिए ही होते हैं बेसिकली। और हम ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स भी रिमूव कर सकते हैं डिटेन के साथ डिटेन उन लोगों के लिए बेस्ट सूटेबल है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है क्लीन अप के लिए, फेशियल के लिए। जो लोग टाइम नहीं निकल पाते हैं, बस 10 से 15 मिनट टाइम निकालना है हमें क्लींजिंग करके, डिटेन पैक लगा के 10 मिनट छोड़ के और वाइप आउट करना है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। गाइस, सबसे पहले हमें मेकअप रिमूव करना है। अगर क्लाइंट का फेस में मेकअप किया हुआ है, आईलाइनर है, लिपस्टिक है, तो हमें सबसे पहले मेकअप रिमूव करना है। और अच्छे से मेकअप रिमूव करने के बाद, इसके बाद हमें अच्छे से क्लींजिंग करना है, क्लींजर लेके फिर इसके बाद ये डिटेन पैक लगाना है। अभी हमने पूरा स्टेशन रेडी कर लिया और मैम का मेकअप भी रिमूव कर दिया, और हम गीला टिश्यू से हम वाइप आउट कर रहे हैं ताकि दाग रिमूव हो जाए, और इसके बाद हम अच्छे से क्लींजिंग कर देंगे। अब गाइस, हमने अच्छे से वाइट टिश्यू से हमने वाइप आउट भी कर लिया, अच्छे से फेस क्लीन कर दिया। अब हम जा रहे हैं मैम का फेस में क्लींजिंग करने के लिए। क्लींजिंग इसलिए करते हैं कि जितने भी दाग थे, गंदगी, वो फेस से अच्छे से निकल जाएगा, इसके बाद हम डिटेन पैक लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमें क्लींजिंग करना है। क्लींजिंग हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से करना है ऑल ओवर फेस एंड नेक में, ताकि अच्छे से जो दर्द है, जो दस्त है, वो अच्छे से फेस, क्लाइंट का फेस से निकल जाए। अब गाइस, हमने अच्छे से मैम का फेस में क्लींजिंग कर लिया 2 से 3 मिनट तक। अब हम जितने भी क्लींजर है फेस में, वो अच्छे से वाइप आउट कर देंगे ताकि फेस में क्लींजर रह ना जाए। तो इसके बाद अच्छे से रिमूव करने के बाद हम फिर डिटेन पैक लगा देंगे। अभी हमने क्लींजिंग भी अच्छे से रिमूव कर दिया, वाइप आउट कर दिया, पूरा फेस क्लीन कर दिया फेस ने। अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं डिटेन पैक। गाइस, जो डिटेन पैक हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो है ओद्री प्लस प्रोफेशनल का ही है। बहुत ही अच्छा डिटेन है, बहुत इफेक्टिव है, और बिल्कुल ऐसे ही हमें विद द हेल्प ऑफ द ब्रश ऑल ओवर फेस एंड नेक हमें अप्लाई करना है। और अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमें 10 मिनट्स तक वेट करना है, तो इसके बाद हमें फिर रिमूव करना है मर्सिफाई करके। सो गाइस, अभी हमने डिटेन पैक ऑल ओवर फेस एंड नेक अप्लाई कर दिया। ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से फेस एंड नेक हमें अप्लाई करना है। इसके बाद फिर 10 से 15 मिनट हमें रखना है, फिर इसके बाद हमें अच्छे से मर्सिफाई करके फिर वाइप आउट करना है। सो
सो गाइस अभी 10 से 15 मिनट छोड़ना हमारा टाइम हो गया। अब हम थोड़ा सा पानी का ताज लेके अच्छे से डिटेन को मर्सिफाई करेंगे और मर्सिफाई करके हम व्हाइट टिश्यू से हम अच्छे से रिमूव कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से मर्सिफाई करना है ऑल ओवर फेस एंड नेक। हमें डायरेक्टली रिमूव नहीं करना है, अच्छे से मर्सिफाई करके ही वाइप आउट करना है। अभी बिल्कुल हमने अच्छे से मर्सिफाई कर दिया ऑल ओवर फेस एंड नेक। अब ऐसे ही बिल्कुल हम व्हाइट टिश्यू लेके अच्छे से रिमूव करेंगे डिटेन फैक को। सो गाइस अभी हमने अच्छे से डिटेन पैक भी रिमूव कर दिया क्लाइंट का फेस से, ऑल ओवर फेस एंड नेक हमने अच्छे से क्लीन कर दिया। अब इसके बाद हम लगाएंगे मैम का फेस में लोशन। डिटेन पैक रिमूव करने के बाद कितना मैम का फेस क्लीन हो गया और कितना ग्लो आ रहा है। अभी हम लगाने जा रहे हैं लोशन। लोशन से हमें एन अप करना है, हमें ऐसे नहीं छोड़ना है क्लाइंट का फेस। मॉइस्चराइजर या लोशन लगाना है हमें। आई होप कि गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड बाय बाय।